तुम्हारे मन में सच में वो आग लगी है कि नहीं लगी, सच में तुम्हारे अंदर वो आग है या नहीं, तुम्हें करके दिखाना है या नहीं। आप सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएगी। मैं कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीज है, पर मैंने कहा ना, अगर आपको सच में लाइफ में बड़ा इंसान बनना है, आपको कुछ सच में बड़ा अचीव करना है, तो आपको उतने ही समय के अंदर उस बोरिंग चीज को रोज करना पड़ेगा। बस यही इसका सलूशन है। मैं हमेशा बोलता हूं जब बच्चे मुझसे बोलते हैं टाइम मैनेज कैसे करें, मैं कहता हूं टाइम मैनेज मत करो, टाइम मैनेज मत करो, लाइफ मैनेज करो। आप सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएगी। ये सब कहां से लाते हो किताबी शब्द, आप कहां से सुने हैं आपने? चलो ना सच्चे से, सच्चे दिल से बात करते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है, इस भाषा में कौन बात करता है? हाँ, ये सब शब्द कहाँ से सीख लिया आपने? टाइम मैनेज कैसे करें, कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, रिविजन कैसे करें, बैकलॉग कैसे दूर करें, ये सब शब्दावली आपने कहाँ से सीख लिया भाई? बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई गई है, जम के मेहनत करना। वॉट इज टाइम मैनेजमेंट बेटा? आप पढ़ाई करो, अपने आप समय मैनेज हो जाएगा। जब भी कोई उत्साह का दिन होता है, आपका जन्मदिन होता है, मान लो आपके जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी है, कुछ भी हो सकता है, आप शाम को आपके मोहल्ले में कोई क्रिकेट का गेम होने वाला है, क्या उस दिन आप टाइम मैनेज करते हो? कुछ नहीं करते हो। आप सोचते हो कि वो चीज चीज है, वो जो होने वाला है इवेंट, वो जो शादी होने वाली है, वो जो क्रिकेट का गेम होने वाला है, वो जो मैं मूवी देखने जाने वाला हूँ, वो कैसे सबसे बेहतरीन? क्या आप समय मैनेज करते हो? सच बताना, नहीं करते ना, नहीं करते आप समय मैनेज उस समय, तब तो आप ये सब सवाल नहीं पूछते ना बेटा। आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जाहिर सी बात है कि पढ़ाई कहीं ना कहीं आपको बोरिंग लगती है। और मैं कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीज है। मतलब ज्ञान लेना एक चीज है, और जो अभी आप कर रहे हो, ज्ञान लेके कॉम्पिटिशन में बैठना, कॉम्पिटिशन के हिसाब से पढ़ना, उस कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई करना, दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान लेना, शिक्षा लेना, ये बोरिंग नहीं है, ये बहुत ही मजेदार चीज है। पर हुआ क्या इन सबके बीच में, एक IIT की परीक्षा आ गई जो कहती है कि उतने ही समय में अब आपको इतना सारा ज्ञान देना है, सवालों की भी प्रैक्टिस करनी है। तो उस समय पे क्या हुआ कि वो पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं बची। पर मैंने कहा ना, अगर आपको सच में लाइफ में बड़ा इंसान बनना है, आपको कुछ सच में बड़ा अचीव करना है, तो आपको उतने ही समय के अंदर उस बोरिंग चीज को रोज करना पड़ेगा। बस यही इसका सलूशन है। ये सब शब्द कहीं नहीं होते, टाइम मैनेज करना है, बैकलॉग मैनेज करना है। मैंने कहा ना आपसे कि एक दिन आप अपने पिताजी के दफ्तर में चले जाओ और उनको 8-10 घंटे काम करते हुए देख लो कि किस तरह से उनका बॉस उनको बात बात पे डांटता रहता है, और वो घर आपके आपसे इस बारे में कभी बात नहीं करते। किस तरह से ऑफिस में उनके बगल में बैठा जो कुलीग है वो उनको बताता रहता है, जो ऑफिस में उनके दोस्त हैं उनको बताते रहते हैं कि शर्मा जी ऐसा है ना, गुप्ता जी ऐसा है ना, कि हमारे बेटे ने इस बार 95% लाया है, हमारे बेटे को ये मेडल मिला है, मेरा बेटा IIT में सेलेक्ट हो गया है। और आपके पिताजी वहाँ पे आपको ही कहीं ना कहीं बताते रहते, कहते नहीं मेरा बच्चा भी अच्छा है, तेज है, करेगा कुछ बहुत बड़ा, करेगा जीवन में, कोई बात नहीं, कितने भी नंबर ला रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। एक बार वो जिंदगी जी के देखो बेटा, आपकी जिंदगी बहुत आसान लगेगी आपको। सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे मैटर करती है, तुम्हारे मन में सच में वो आग लगी है कि नहीं लगी, सच में तुम्हारे अंदर वो आग है या नहीं, तुम्हें करके दिखाना है या नहीं। 17-18 साल के आप हो गए हो, यहां से 2 साल आप लग के मेहनत कर लो, जीवन काफी बदल जाएगा, एक बेटर करियर की तरफ आप जा सकते हो।